बड़ी बढ़िया गीत के लाइन संकेत करत हुआ मास्टर साहब कहना हो काहे के तसब के हुआपन काहे के तसब के हुआपन आपन कहावे वाला के बा काहे के तसब के हुआपन दुखवा बतावे वाला के अच्छा बाबू जी एक बार इस विरह के माध्यम से मैं उस जाति के शिकार बालक इंद्र कुमार मेघवाल को अपनी पूरी पार्टी के साथ समस्त बहुजन साथियों के साथ उस बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य करता हूं और करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्धा के चरणों को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि तथागत उस परिवार को दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। मैं अमर लोकगीत विरह गायक अनिल कुमार नादान व साथी अपने साथियों की आवाज में एक बार पुनः देश की ज्वलंत समस्या को गीत के माध्यम से आप सभी के बीच में आरपी म्यूजिक अमेठी चैनल के बैनर तले विरह के माध्यम से प्रस्तुत करने चल रहा हूं, जिस गीत को गवाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग जिनका रहा दि बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के आप शाखा सुल्तानपुर से प्रदेश उपाध्यक्ष श्रद्धे जितेंद्र कुमार बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा श्रद्धे धर्मराज बौद्ध जी, जिला महासचिव श्रद्धे कमलेश कुमार आनंद जी, राष्ट्रीय अंबेडकर सेना जिला सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष आप बड़े भाई राहुल बौद्ध जी और बड़े भाई अनिल बौद्ध जी और बड़े भाई पिंटू यादव जी और राजन यादव जी, आप सभी इस घटना के एक एक पल की जानकारी देते रहे जिसको मैं विरह के माध्यम से प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आ बाबू चार लाइन भूमिका के भाव में कबीर इस ज्वलंत समस्या की भावना को प्रकट करने का कार्य कर रहे हैं। कैसे मास्टर साहब? तो जाति
विषमता का कारण भी जाती ढो गया डंबर पाखंड यो रूढ़िता को। अरे बना पंड को बांटते मानुवादी जल रहा है वतन जाति की अग्नि में। अरे कहने को मिथ्या मिली है आजादी अरे अमृत महोत्समृत बन लिखते घटना अनिल है कलम का पुजाती आए बाबूजी। आज इस हमारे भारत में विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वह जाति है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण भारत के रहने वाले लोगों में छुआछूत व्याप्त है। एक लाइन गजल का भाव हो मास्टर साहब। वो एक गजल का लाइन है कि अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी तो ये सर कटा नहीं। लेकिन गजल से बढ़िया भाव कवि जी बिरहा में लिखा था कैसे मास्टर साहब कि अरे सोने का यह देश हमारा, अरे सोने का यह देश हमारा मिट्टी में है मिला रहे। सोने का यह देश हमारा मिट्टी में है तो सोने का यह देश हमारा अरे मिट्टी में है मिला रहे। अरे मानव को मानव न समझ मनुवादी आगे लगा रहे। मानव को मानव न समझ सच्चाई है साथियों। आज के सैकड़ों वर्ष पहले इसी भारत में शोषित वंचित वर्ग को छूने तक का अधिकार नहीं था। आज वही आजादी के 75 वर्ष के बाद पुनः राजस्थान में देखने को मिला। और ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, भारत के हर राज्य, भारत के हर एक जिले, भारत के हर एक गांव की बात है। कभी जी बिरहा में नजम के लाइन में इशारा करते हुए घटना कहां के हो मास्टर साहब? कहे कैसे कि ये महान मेरा भारत है जहां पर जाति और वर्ण जिया जा रत है। कथिता दादी मिली शोषित ना आजाद हुए 85 छोड़ करके 15 आबाद हुए। लड़ाई लड़के महापुरुषों ने सम्मान दिया, लड़ाई लड़के महापुरुषों ने सम्मान दिया, बाबा साहब ने है बच्चों को कुर्बान किया। घटना कहाँ के बा, केकर कहानी बा,
कवि जी लिखत हुआ राजस्थान प्रांत जालौर की हकीकत है, राजस्थान प्रांत जालौर की हकीकत है, सुरा गांव में वाराम की मुसीबत है। के हो परिवार में पत्नी पौनी देवी, पत्नी पौनी देवी बेटा इन कुमार रहा, हंसता खेलता बस छोटा सा परिवार रहा। कहानी समझ ला बाबू, कहानी एकदम साफ साफ सीसा नहीं झलक जाए। इसी भारत में जहां पर महाराणा प्रताप अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किए, उसी राजस्थान में एक जिला जिस जिले का नाम है जालौर, जालौर जिले में सायला थाना और उसी थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव जिस गांव का नाम है सुराड़ा, उसी सुराड़ा गांव में मेवाराम मेघवाल अपनी पत्नी के साथ अपने दो बच्चों के साथ बड़े ही प्रेम से जीवन यापन कर रहे थे। बड़ा बेटा इंद कुमार मेघवाल जो पढ़ने में बड़ा ही होनहार था, जैसा कि वीडियो में भी देखने को मिला सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बच्चा डांस भी बहुत अच्छा करता था। एक दिन की बात है, मेवाराम मेघवाल अपने बच्चे का नाम सुराड़ा में ही सरस्वती विद्या मंदिर में एडमिशन करवा देते हैं। बच्चा एक दो पढ़ाई को पूरी किया, कक्षा तीन में नाम को लिखाया है और डेली पढ़ने जा रहा है। एक दिन के बाद होत कब मास्टर साहब एक लाइन गीत लगा था, आज के डेढ़ महीने पहले की बात है। कौन सी तारीख है कि अरे 20 जुलाई बुधा वर वाले दिनावा, अरे घर से विद्यालय आयल इंद्र हो बिरानावा, घर से विद्यालय आयल इंद्र हो बिरानावा। दिनांक 20 जुलाई दिन बुधवार को सुबह एकदम तैयार होकर के बच्चा निकलता है, मम्मी टिफिन पैक कर देती हैं और चल पड़ा है बच्चा विद्यालय के लिए। और जब विद्यालय के लिए चला है, विद्यालय में पहुंचा है तब कि अरे 20 जुलाई बूढ़ा वार वाले दीनावा, घर से विद्यालय आई इंद्र हो बिरानावा, प्यास से व्याकुल भासुगनवा ये भैया, जाके घड़ा से पानी पी ली हलस ललनवा ये भैया, जाके घड़ा से पानी पी ली हलस ललनवा ये भैया। आया है इंद कुमार विद्यालय में, 10:30 बजे हैं और उस विद्यालय में दो घड़े रखे हैं, एक घड़े से बच्चे पानी पिया करते हैं और दूसरे घड़े से
जो उस विद्यालय का प्रिंसिपल है जिसका नाम छैल सिंह बतलाया गया। एक बार मैं उस मास्टर को कहना चाहता हूँ कि आप अखंडवादी, अगर तुमको दलितों से शोषितों से इतनी नफरत है तो ऐसे दलित और शोषित बच्चों का एडमिशन तुमने अपने विद्यालय में क्यों किया? पैसा के लिए? पैसा लेना हुआ तो बच्चे का नाम अपने विद्यालय में लिख लिए, और जब बच्चों को पढ़ाने की बात आई पानी पी लिया बच्चा, तो तुमने क्या किया? देखा है टीचर छैल सिंह बाना हायवान हो, बच्चा पानी पिया, उस प्रिंसिपल छैल सिंह की नजर पड़ गई, और जब नजर पड़ी है सोच गया कि ये दलित का बच्चा मेरे घड़े का पानी कैसे पी लिया, और यही सोच करके करता क्या है, लालना के पीटई लादल बन के साया तान हो, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो को भी देखा होगा जो सोशल मीडिया पर रन कर रहा है, उसी कक्षा में बुला करके वह छैल सिंह मास्टर उस इंद्र कुमार बच्चे को, जो 9 वर्ष का नन्हा बच्चा है बाबू, उस बच्चे को जोरदार तमाचे से मारा। तमाचे के बाद वो बच्चा रोने लगा, और जब रोने लगा पैर में जूता पहना है उठा करके पटक दिया, पटकने के बाद उसी जूते से बाबूजी उस बच्चे को मसल दिया है, और जब मसला है बाबू कान की नसें फट गई, और जब फट गई इधर वो बच्चा रो करके कह रहा है गुरुजी छोड़ दीजिए, गुरुजी आज के बाद मैं आपके घड़े का पानी नहीं पीऊंगा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वो हैवान मास्टर करता क्या है, अभी भी बच्चे को जूते से मार रहा है, बूट से मार रहा है बाबू, और इस बात को देख करके वो बच्चा करता क्या है, अरे पाव पाकर इंद्रा करई रुदन वाए भैया, जाके घड़ा से पानी पी लिया लस ललनवाए भैया, जाके घड़ा से आए बाबू पानी पिया है बच्चा, मारने लगा हूँ मास्टर, मारते 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 उस बच्चे को बाबू जी अधमरा कर दिया। यहाँ पर एक सवाल कवि की कलम करती है, कहा जाता है कि आस्था लोगों को मूत्र पिला देती है, आस्था लोगों को मूत्र पिला देती है, और पाखंडवादी पानी तक नहीं पीने देते हैं। लेकिन अरे बाबू जिस समय वो मास्टर मार रहा है उस समय इंद्र कुमार रो करके, जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में कह रहा है, क्या कह रहा है, कि अरे बिल खेलई इंद्र पापी, उस पाखंडी गुरु के पैर को पकड़ करके इंद्र कुमार छोटा सा बच्चा कह रहा है गुरुजी, आ गुरुजी कियर बिल खेलई इंद्र पापी, अरे गुरु के चरणवा हमारे गुरुजी, बिल हारा हमारी के हारा हमारी के।
रो करके मुन्ना कहने लगा, गुरुजी मत मारिए गुरुजी, मैं आज के बाद आपके घड़े का पानी नहीं पियूंगा, मुझसे गलती हो गई गुरुजी, जाना था गुरुजी। आपके जब घरवा से तैयार करके बाबूजी भेजे तो का कहे गुरुजी सुना, बाबूजी कहे लन हमुना या नावा के ज्योति, बाबू ए गुरुजी जब बाबू हमके भेजेले तो कहले मुन्ना तू हमरे आँखी का ज्योति हवा, लेकिन माई जोनी समैया टिपिनिया देख पैक कई के हमके भेजे तब माई कहे का कहे, प्यार से मायरिया हमके ए गुरुजी छोड़ दा गुरुजी मत मारा गुरुजी हमके, प्यार से मायरिया हमके काहे हीरा मोती, प्यार से मायरिया हमके काहे हीरा मोती। ए गुरुजी माई और बाबू के हमरा उपड़ा बड़ा गुमान बा, बड़े प्रेम से हमके पढ़ावत है गुरुजी, मत मारा गुरुजी। माई यौ बापाई आके तोड़ा जनी सपानवा मरे गुरुजी, माई यौ बापाई माइयौ बापाइया के थोड़ा जनी परानवा हमरे गुरुजी, जानी हारा हमनी के परानवा हमरे गुरुजी, इतना कह करके वो मुन्ना लाचार हो गया बाबूजी। लाचार होकर के वो मुन्ना विद्यालय से चला है अपने पिता के पास पहुंचा। कभी जी विदेशिया में भाव लिखता हूँ कैसे मास्टर, तो होई के लाचार इंद्र ए बाबू सुनाओ ही छना के सामना, और रोई रोई बातिया हर बतावेला सुगहनावा हो, आकर के अपने बाप से बताया मेवारा मेघवाल बच्चे की हालत को देख करके बाबूजी गोदी में उठा करके आनंद फानंद में चलते हैं और करते क्या हैं कि गोदिया उठाई पहुंचे हर बज
बजरंग हॉस्पिटलिया हो, अरे त्रिवेणी करड़ी हे बाबू मिलल नाचायन तैला चलत इलाज बीती अहे बाबू 20 जुलाई को उस पापी मास्टर ने बच्चे को मारा था। इलाज के लिए दर दर भटकते भटकते वह लाचार बाप पहले बजरंग हॉस्पिटल में पहुंचा, फिर आस्था स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचा, उसके बाद त्रिवेणी ट्रामा सेंटर में लेकर के गया, फिर दौसा के करड़ी हॉस्पिटल में पहुंचा है। इसके बाद बाबू जी लाचार होकर के बाप उस मास्टर को फोन किया कि है मास्टर साहब, आपने मेरे बच्चे को इतना क्यों मार दिया। लेकिन वहां से जब आराम नहीं मिला बच्चे को तो लेकर के बाप गीतांजलि हॉस्पिटल में पहुंचा है जो कि उदयपुर में स्थित है। गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने देखा, चेक करने के बाद बाबूजी सीरियस होने के कारण उस बच्चे को गुजरात के अहमदाबाद शहर में सिविल हॉस्पिटल जो कि हायर मेडिकल सेंटर है वहां पर भेज दिए। और जब रेफर करके भेजे हैं तो होता क्या है कि अरे चलत इलाज बीती गायल 23 दिनावा हो, अरे तेरा हो अगस्त लाल हे बाबू तजालस पारना तेईस दिन तक वह लाचार बाप अपने बेटे को लेकर के इधर उधर भटक रहा है। बाबू कहीं पर सुलभ इलाज नहीं मिला। आखिरकार 23वें दिन उस बच्चे का प्राण निकल जाता है। इधर उस बच्चे की 13 अगस्त को मौत होती है और इधर हमारे भारत की सरकार हर घर तिरंगा लहराने का कार्यक्रम बड़े जोरों शोरों से तैयारी में जुटी थी। क्या यही अमृत महोत्सव है? एक बच्चे को एक शिक्षा देने वाला जान से मार देता है बाबू। लेकिन माई के समन्वा जब मुन्ना कलसिया आवत है मास्टर साहब तो माई बिलक की बात कहे का कहे कि अरे रोवली मतारी बहे। जवन माई 9 महीना अपने गर्भ में लेके अपने मुन्ना का पालन पोषण करके 9 वर्ष का बना दिया बाबू, जब वो महतारी के सामने पौनी देवी के सामने अपने बेटवा का लाश देखा था माई, तब बिलख के एक बात कहा था, का कहे कि अरे रोवली मतारी बहे झर झर नायना हो, रोवाली माँ झर झर
रोवली मुन्ना कावानी नगरिया चाली गाईला सुगानावा हो कावानी नगरिया माई बचवा कलशिया देख के छाती पीट के रोवत है कहे का कहे बाबू हा मानिया भागिनी के फूट गई भागिया मुन्ना आई माई के डाइन कहे बना देला मुन्ना दुनिया के लोग कहिए कि जितबे अपने लाल के खा गई माई रोई के कहे बाबू लागी गई बिसर ना सूरतिया बिसर ना सूरतिया तोहरी हमारे लाल आखिर बाबूजी वो माँ अपने बच्ची की लाश को लेकर के रो रही है दरवाजे पर छाती पीट पीट करके रो रही है बाबू लेकिन कबीर जी को टेरी के भाव में लिखना पड़ा अगर शिक्षा देने वाले ऐसे ही होंगे तब शिक्षा की अब पर पाटी रो पड़ी अरे शिक्षा की अब परिपाटी हो ए बाबू शिक्षा की अब परिपाटी रो पड़ी मनवता हुई कलंकित जहर बनी है जाती शिक्षा की अब परिपाटी रो पड़ी मनवता हुई कलंकित जहर बनी है जाती शिक्षा की अब परिपाटी रो पड़ी अरे बाबू शिक्षा देने वाले ही अगर इस तरह से बच्चों का वध करेंगे तो कौन शिक्षा लेने जाएगा गुरु के पास लेकिन अरे बाबू आज ये घटना सोशल मीडिया के द्वारा जब फैलने लगी तो कबीर जी ने पापट में भाव दिया अरे फैली घटना देखा जब चहु और शोर भाबा बाबू जी अरे फैली घटना देखा जब चहु और शोर भाबा बाबू जी अरे बहुजन भी तब भरने लगा है जोर शोर भाबा बाबू जी
घटना जब चारों तरफ फैलने लगी तो ट्विटर के माध्यम से हुआ क्या, ट्विटर से माया जी कैली सुना तो भारी निंदा हो। जाति बण पाखंड से भारत हो डाला शर्मिंदा। अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से मायावती जी लाइव आकर के और ट्वीट करके इस घटना की घोर निंदा करती हैं और कहती हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि शासन व्यवस्था गहलोत सरकार के बस की बात नहीं है। अरे बाबू, इतना तो माया जी ने कहा, लेकिन होता क्या है? अरे कृत्य दिया या दुनिया को झक झोर शोर भा बाबू जी, अरे बहुजन भी तब भरने लगा है जोर शोर भा बाबू जी। अब तक मुख्य मीडिया से एक भी व्यक्ति ने आकर के न्यूज से इस घटना को दिखाने का काम नहीं किया। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सोशल मीडिया के बंधुओं को जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस घटना को प्रकाश में लाने का काम किया। लेकिन जब सोशल मीडिया के भाई इस घटना को प्रसारित कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की गुलाम मीडिया नींद से जगी है और करीब करीब सभी चैनलों पर घंटे दो घंटे का प्रसारण भी देखने को मिला। इधर 15 अगस्त को हमारे देश की सरकार अमृत महोत्सव मनाने का काम करने जा रही है। इधर बहुजन समाज के लोग जुट गए, बच्चे की लाश घर पर आई 14 अगस्त को, उस बच्चे का दाह संस्कार नहीं किया जा रहा था, प्रमाण मिलता है। पुलिस प्रशासन के लोग जबरन दाह संस्कार करवाने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे थे, जिससे बहुजन समाज के साथियों में और पुलिस में लाठीचार्ज भी हुआ। एक घटना और घटती है, उसी दिन बाहर मेरे देश के नेता और बाहर मेरे देश की सरकार, आज यही शोषित समाज के व्यक्ति होते तो इनको शायद ये आजादी न मिलती। बिलकिस बानो के बलात्कारियों को उसी 15 अगस्त को आजाद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी आरोपी ऊंची जातियों से आने वाले थे। बाहरी मेरे देश की सरकार बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है और बच्चे की हत्या की जा रही है। इसी पर कवि जी आल्हा के भाव में अपनी कलम से संकेत कर रहे हैं, कैसे? हाय कि अरे दुनिया के कोने कोने अरे फैलल खबरिया भैया, भारत में जागा जगह होला बाहिस का, कैसा नशा ये घटना घटी
राज्य की सरकार कहलो सरकार का कोई व्यक्ति सामने आकर के बयान नहीं दिया। 15 अगस्त को केवल सांत्वना दी गई गहलो सरकार के द्वारा, लेकिन उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अरे बाबू, प्रमाण मिलता है जब चारों तरफ से दबाव पड़ा, तो उस आरोपी मास्टर को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इधर खबर चारों ओर पूरे देश भारत के कोने कोने में फैलने लगी। और ये घटना भारत ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जब फैली है, पूरी दुनिया से जब भारत की आलोचना हो लगी होने लगी, और इस घटना की जानकारी जब हमारे बहुजन समाज के नायकों को मिली, तो हमारे बहुजन नायक करते क्या हैं? सात पाल तावर सुन ले आईला भवनवा बाबू, चंद्रशेखर रावण पहुंचे इंद्र के दुआ, घटना की जानकारी जब नवाब सतपाल तंवर को लगती है, अपने दलबल के साथ चल देते हैं। और जब चलते हैं जा करके घटना की पूरी जानकारी इंद्र के पिता से लेते हैं, इंद्र के पिता को सांत्वना दिए। और इधर भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित और शोषितों के मसीहा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को जब ये बात पता चली है, निकल पड़े हैं अपने समाज के भाई के हक अधिकार को दिलाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। और जब अपने परिवार की रक्षा के लिए चले हैं, अरे बाबू, मेरे देश की सरकार बौखला गई, उस प्रदेश की सरकार बौखला गई। और चंद्रशेखर रावण को 3 बार जोधपुर एयरपोर्ट पर वहीं से चंद्रशेखर रावण को रिटर्न कर दिया गया। लेकिन मेरे समाज का वो शेर 23 तारीख को जब इंद्र के पिता के पास पहुंचा है 5 लाख रुपए का चेक लेकर के, क्योंकि गहलोत सरकार 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी थी, मेरे समाज का वो शेर 5 लाख रुपए का चेक दे करके मेवाराम मेघवाल को कहा कि फेंक दो इस सरकार के मुख पर, मेरा समाज अभी इतना कमजोर नहीं है। आए बाबू, कहना पड़ता है क्या? शासन प्रशासन अपन कर मान मनिया भैया, बहुजन का बतिया नहीं कर सारा का, कवि की कलम एक बार उन विधायक उन सांसदों जो चमचागिरी में फंसे हुए हैं उनके लिए कह रही है क्या? MP MLA स्वार्थी कारा चमचागिरिया भैया, जैसे बने राजा करे वही कहती रसना, आए बाबू, जो जनता तुमको राजा बनाती है आज उसी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम हमारे MP MLA नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता के नशे में चूर हो करके स्वार्थ में स्वयं मलाई काट रहे हैं, समाज को उनका कोई ध्यान नहीं है। कभी जी सदर आलामा भाव लिखे मास्टर साहब, हरे कराते दिखावाला जनितिया में लोगावा, साबुन सारा का
पिया के फांसिया झूलावा यही बा कहया रे अमृत महो कमित महो तो बना लाबा हरे अमृत महो कमित महो तो बना लाबा हरे सोचित पे कबले बाबू होई अत्याचार बाहर मेरे देश की सरकार चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो इसी उत्तर प्रदेश में 25 मई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता से मिलने के लिए जब जाते हैं तो पहले से ही बहुजन शोषित समाज के लोगों के पास तेल साबुन और सेंट पहुंचा दिया जाता है। पत्रकार लोग जब पूछते हैं तो उनसे शासन सत्ता में शासन करने वाले लोग बता के गए थे कि अगर मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो उनके सामने बगैर स्नान बगैर सेंट लगाए नहीं पहुंचना है। क्या मेरे देश का मेरे देश के महापुरुषों का यही सपना था? आया बाबू इधर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उधर हमारे बहुजन समाज के लोगों पर दलित शोषितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस घटना की भारी भत्सना जब पूरे दुनिया में होने लगी तब भंते सुमित रत्न जी लाइव आकर के एक घोषणा कर देते हैं कि ए मेरे बहुजन समाज के लोगों संगठन तुम्हारा चाहे जो भी हो क्योंकि हमारे बहुजन समाज के अनेकों संगठन बने हैं। अंबेडकर कल्याण सभी भारतीय बौद्ध महासभा यादव महासभा कोरी महासभा पाल महासभा बर्मा महासभा हमारी 85% की आबादी अलग अलग जातिवादी संगठनों में बटी हुई है लेकिन भंते सुमित रतन जी ने ऐलान किया कि अगर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना है तो अगर आज नहीं चेते तब हाथ से सब कुछ जाने वाला है। भंते सुमित रतन जी ने समस्त संगठनों को ऐलान किया कि आप लोग पहुंच करके जालौर उस बच्चे इंद कुमार को न्याय दिलाने का काम करें। आए बाबू आखिरी भाव में बिरहा की आखिरी लाइन को लिखते समय कवि ने अपने समाज की उसी पीड़ा को पुनः व्यक्त किया। पंधारी की लाइन में कैसे ली अरे जातिवादी हो कुरीतिया अब टूटी जहिया विश्व गुरु हमार भारत फिर से बनी तहिया। सच्चाई है दोस्तों कभी यही हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था। दुनिया के हर एक कोने में शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत से हुआ करता था। जिस भारत को सोने की चिड़िया हम गर्व से कहा करते थे उसी भारत को गोबर की चिड़िया कहने भी हमको शर्म लग रही है क्योंकि भारत
जातिवाद, पाखंडवाद, आडंबरवाद में इस तरह से लिपटा है। इसी के कारण भारत का विकास नहीं हो रहा है बाबूजी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन जातिवादी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसी दिन भारत के टक्कर का कोई देश इस दुनिया में नहीं होगा। कहना हुआ तो जाति रही जबले तबले होई दुराचार, जब तक जाति होगी तब तक दुराचार होगा, क्योंकि जाति होगी तो ऊंच नीच का भेदभाव जरूर होगा। इसी पर कहना पड़ा कि जाति रही जबले तबले होई दुराचार हो, अरे काटी है अंगूठा दौड़ा नहीं दे है मार हो। वही तथागत करुणा के सागर महात्मा गौतम बुद्ध, जिनको लोग हमारे देश में रहते हैं तो गुणगान दूसरा करते हैं, और जब भारत से बाहर निकलते हैं तो वही नेता जब वो माइक पर आते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। इनकी दोगली नीति को पहचानना होगा हमारे बहुजन समाज को, क्योंकि बुद्ध एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति रहे, महामानव रहे, जिनकी शिक्षा, जिनकी राह पर चल करके आज भी दुनिया के तमाम देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना नाम लिखा के बैठे हैं। लेकिन हमारा ये भारत आज भी पाखंडवाद, रूढ़िवाद में पढ़ करके अपना सर्वस्व गंवाने पर बैठा है। इसलिए कहना पड़ता है कि अरे छोड़ी के आडंबर, अरे चल बुद्ध की रही आप, तब विश्व गुरु हमर भारत फिर से बनी तो ही। जिस भारत में खाने के, पीने की, छूने की, उठने की, बैठने की आजादी नहीं थी, लेकिन हमारे बहुजन समाज के नायकों ने किया क्या? तब फूले पेरी यार रवि दास दिए ज्ञान, अरे शाही के कलेश साहब लिखे संविधान हो। अगर बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों की दिखाई हुई राह पर चलेंगे तो पुनः हमारे देश का विकास संभव है, अन्यथा इसी प्रकार से आज शोषित दलित शिकार हो रहा है, कल हमारे ओबीसी भाई सताए जाएंगे, और अगर इसी तरह से हम आप बटे रहे तो कहा गया है मुट्ठी अगर खुली हो, पांचों उंगलियां अलग अलग हों, तो चाहे जो कोई आएगा तोड़ करके चला जाएगा, लेकिन अगर मुट्ठी बंधी है तो कोई इस मुट्ठी से टक्कर नहीं ले सकता है। इसी के साथ पुनः एक बार मैं उस शोषित समाज के ओनहार बच्चे को इंद्र कुमार मेघवाल को अपनी पार्टी की तरफ से पुनः सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य करता हूँ, और महामानव
तथागत बुद्ध की करुणा उस परिवार पर हो। परिवार शोक से उबर करके बाहर आए और उस परिवार को न्याय मिले, जैसा कि बहुजन समाज के लोगों की मांग है। उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक या दो व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि देखा गया है जब हमारे शोषित समाज का कोई व्यक्ति शिकार होता है तो हमारी सरकारें भी अनदेखी किया कर देती हैं। लेकिन वही सब ऊंची जाति से कोई शिकार हो जाता है तो उसके लिए तत्काल राहत कोष का पैसा निकाल करके उसकी सहायता की जाती है। इसी के साथ मैं विरहा के समापन के साथ अपने बहुजन समाज को पुनः एक बार कहता हूं कि अगर आप जगेंगे नहीं, अपने महापुरुषों की बताई हुई बात को नहीं सुनेंगे तो हमारी आपकी स्थिति इससे भी बदतर होने वाली है। आखिरी और अंतिम भाव, बुद्ध कबीर साहब की धरती करती सुनो पुकार, हरे मांगे से ना हक मिलता है, अरे माना बात हमारी हो, तो शिक्षा की अब परिपाटी रो पड़ी, बहुजन का हो खाटी, शिक्षा की अब परिपाटी।